नमस्कार। आज पहले तो जितने भी श्रोता लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों का चरण छू के स्पर्श करता हूं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हम इस समय एक शूटिंग पे हैं गोरखपुर में, और फिल्म का नाम है जिंदगी बन गए हो तुम। बड़ी खूबसूरत नाम है फिल्म का, और बड़ी अच्छी लोकेशन है गोरखपुर की। इसमें जो किरदार है वो कॉमेडियन में, जैसे कॉमेडियन में हर फिल्मों में कॉमेडी करता आया हूँ, तो इसमें भी कॉमेडी कर रहा हूँ। तो हीरो का दोस्त का रोल है मेरा, एक गांव का एक आवारा लड़के का रोल है मेरा इसमें, तो वो रोल है। फिल्म के डायरेक्टर साहब जो हैं वो अरुण राज जी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं। मैं बता दूँ, मैं पहली फिल्म जब किया था अरुण राज जी के साथ, तो फिल्म का नाम था लव स्टेशन। बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, मैं उसको देखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ से फ़ोन, मुंबई से फ़ोन आ रहा है कि भैया आपका काम और अरुण जी की जो फिल्म बनाए हैं बहुत अच्छी तारीफ हो रही है। तो फिल्म बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म बनी है। तो उनके साथ दूसरी फिल्म है मेरी अरुण सर के साथ, और अरुण राज जी के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, जो फिल्म का नाम है जिंदगी बन गए हो तुम, बहुत अच्छी फिल्म का नाम है। तो दूसरी फिल्म मैं अरुण राज जी के साथ कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनका व्यवहार बहुत नंबर एक है, बहुत अच्छे इंसान है। पूरे टीम के साथ मैं यही कहूँगा कि जो पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है गोरखपुर और सहारा स्टेट में, यहाँ पे शूटिंग चल रही है ये बहुत अच्छे लोकेशन पे। इस फिल्म के हीरो हैं हमारे बड़े ही परम आदरणीय, हमारे गार्जियन स्वरूप भी हैं शुभम तिवारी जी, और प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं रितु सिंह जी। इसमें विलेन का रोल कर रहे हैं हमारे देव भैया, देव सिंह जी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे फिल्म ये बनने वाली, एक पारिवारिक फिल्म है, और इसमें मैं ही हूँ कॉमेडी रोल में, और मनोज टाइगर सर हैं, और इसमें एक हीरो और हैं शुभम तिवारी जी के साथ, एक और हीरो हैं जिनका नाम है गणेश गुप्ता जी। तो ये फिल्म कुछ अलग बनने वाला है, और इसके प्रोडक्शन जो देख रहे हैं हमारे आदरणीय, हमारे बड़े भैया, हमारे गार्जियन स्वरूप अखिलेश राय जी, और इस फिल्म के प्रचारक जो हैं वो हैं रामचंद्र जी, जो पूरे इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। मैं रामचंद्र जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उनके आशीर्वाद से आज दो चार लोग मुझे भी जानने लगे हैं। तो ये प्यार देते रहे रामचंद्र जी, और अखिलेश भैया, अरुण जी को सबको धन्यवाद दूंगा इस फिल्म के लिए। क्योंकि इसलिए दूंगा क्योंकि लॉकडाउन हम लोग 6 महीने 5 महीने घर पे बैठा, और सब लोग सहयोग किया, मोदी जी का सब लोग सहयोग किया, सब लोग अपना मास्क लगा के बाहर अब निकल रहा है, और सब लोग काम कर रहा है, लेकिन दूरियां बना करके रह रहे हैं लोग, ये बहुत अच्छी बातें हैं। तो 5 महीने घर बैठने के बाद, यानी शरीर में जंग लग गया था, जिसे लगा कि अब हम लोग कुछ समय में, कुछ दिन और होता ना तो हम अपने आप के हम लोग भूल जाते कि अच्छा आप फलाने, आप डिंका, ओहो आप क्या काम करते थे, काम भी भूल जाते हैं लोग। तो 5 महीने और 6 महीने के बाद हम लोग फिर से शूट पे निकल चुके हैं, और फिल्म का नाम वही जिंदगी बन गए हो तुम। अब तक की जो मेरी फिल्में सफल रहा, और वो फिल्म जैसे कि बैरी कंगना 2 रवि किशन जी के साथ, योद्धा अर्जुन पंडित पवन सिंह के जी के साथ, और तमाम फिल्में हैं जैसे चिंटू भैया के साथ है, चिंटू पांडे जी, तो उनका फिल्म है लैला मजनू, और कई ऐसी फिल्में, दिल धक धक करे कल्लू जी, और सैया हमार कलाकार फिर कल्लू जी, और बड़े अच्छे अच्छे मेरी फिल्में मैंने आप लोगों को पेश किया दिया, और आप लोग बड़ी आशीर्वाद दिए उस फिल्म को देखे। तो मेरी कई फिल्में लाइन में हैं, और कई फिल्मों का ट्रेलर अभी अगले महीने यानी अक्टूबर के लास्ट में वो लॉन्च हो गई।